हाँ जी, हम दहेज मांग रहे हैं, पूरे 25 लाख रुपए। इसमें गलत क्या है? अपनी बेटी के ऊपर हमने भी 20 लाख रुपए खर्च किए, बेटे की पढ़ाई पर खर्च किए हैं, बेटे की सरकारी नौकरी पक्की करने के लिए कितने लाख खर्च किए, इस बात का अंदाजा है आपको? और फिर ये दहेज प्रथा कोई मैंने शुरू की? ठीक है, आप ही बताइए कैसे रिकवरी होगी उस 15 लाख की जो मैंने अपनी ये नौकरी पाने के लिए दिए थे, बताइए ना। आप कह रहे हैं कि घूस लेकर मैं भ्रष्टाचार को बढ़ा रहा हूं। हाँ तो मैं बढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं खुद भ्रष्टाचार का शिकार हुआ, और मैं भ्रष्टाचार की गाड़ी का वो पहिया नहीं हूं जिसके रुकने से पूरी गाड़ी रुकेगी, सिर्फ मेरे बदलने से दुनिया नहीं बदलेगी। देखिए, करप्शन खून की तरह है, सारे सिस्टम में दौड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि दिन की पूरी कलेक्शन मेरे टेबल से सीधी मेरी जेब में जाती है ना, ऐसा कोई टेबल नहीं, ऐसी कोई कुर्सी नहीं जहां यह करप्शन का पैसा नहीं पहुंचता हो, मेरे ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह। मेरी एम्बिशन, मेरा अगला प्रमोशन है हरिश्चंद्र बनना नहीं, और मुझे कोई शौक भी नहीं है। लो ललन काका, आटा 10 मिनट में रेडी चाहिए, ठीक है? लो डब्बा। क्यों भैया लोग, खाली तुम्हारे घर में रोटी बनती है क्या? देख रहे हो कतार? काका बस जल्दी में है तो कर दो हमारा काम, ठीक है? यार एक भी दिन बता जब तू जल्दी में नहीं रहता है, जा तुम बजा के आटा ले जाना। सुनो, 10 मिनट में ना किसी के घर में अकाल नहीं पड़ जाएगा, चलो 10 रुपए एक्स्ट्रा दे देंगे, ठीक है? और जान से जरूरी काम है इसलिए जा रहा हूं, वरना बैठ के पिसवाता था आटा तुमसे। अबे काहे की जान और काहे का जरूरी, तफरी करने के सिवा और कोई काम है तुझे? अरे 10 मिनट ठीक है, अगर 10 मिनट से एक भी मिनट ज्यादा हुआ ना तो जिसका डब्बा रेडी होगा वो ले जाऊंगा। कहाँ गया ये आलोक का बच्चा? 10 मिनट 10 मिनट बोल के जान खाए पड़ा था, पौने घंटे होने को आए, अभी आया नहीं है। आलोक, ए आलोक, आलोक, The number you have called is currently switched off. ए साधु, जरा चक्की वाले के यहाँ ले चल, पता नहीं आलोक अपनी साइकिल यहाँ छोड़ के क्यों चला गया। ए लल्लन, गेहूं पिस गया हमारा? भैया 2 घंटे से आपका आटा रेडी करके रखा है, आपका बेटा 10 मिनट 10 मिनट करके जान खाए पड़ा था, लेकिन जब से गेहूं पिस दिया वो लेने आया ही नहीं। हाँ, नालायक ने फोन भी ऑफ करके रखा, ये लो। अरे बुड्ढे सुन तो, ए चालू रखो आया। जी सुन चाचा, बुड्ढू आलोक कहाँ है? वो तो आज आया नहीं खेलने, फिर कहाँ चला गया? क्या पता चाचा, सुबह से देखा नहीं मैंने उसे। दिख जाए कहीं तो कह देना, जल्दी घर आए, आज घर में भरता बन रहा है उसी का। ठीक है चाचा। लो डिब्बा चक्की पे छोड़ दिया और साइकिल पेड़ के नीचे, दोनों मुझे ही लाने पड़े। पर उसका फोन क्यों बंद है? अरे उसकी सारी हरकतें ही बंद करवा देने वाला हूँ सुमित्रा मैं, आज उसकी टांगे ना तोड़ दी तो फिर देख लेना। ना वो सुधरेगा ना, आप बचपन से ऐसी झूठी कस्में खाते आ रहे हैं। जाइए ना, जाके भाई साहब के यहाँ देख लीजिए, हो सकता है वहीं मंडली जमा कर बैठा हो।
प्रणाम भाई साहब। अरे सुजीत आजा आजा, बहुत सही टाइम पे आया है। आजा आजा बैठ जा बैठ जा, बैठ जा भाई साहब। अब प्लेट लगा दे सुजीत की भी। अरे नहीं नहीं भाभी, मैं घर से खाना खा के आया हूँ। भूपिंदर भाई साहब, आलोक आया था क्या यहाँ पे? नहीं तो सावित्री, हेलो। सुबह जो देखा था आप दोनों के साथ नाश्ता कर रहा था, बस उसी वक्त। रतन तुमसे कुछ बोला था, कहाँ जा रहा है? नहीं चाचा जी, सुबह में ही तो आलोक ने मेरे और पापा के साथ नाश्ता किया, फिर वो निकल गया साइकिल पर, हम चले गए खेत पर, अभी हम तुरंत तो लौटे हैं खाना खाने। भाई साहब, आपका रतन सिर्फ 2 साल बड़ा है मेरे गधे आलोक से, कितनी अच्छी तरह आपके काम में हाथ बटाता है। अरे आलोक को तो ना पढ़ना ना कुछ काम करना, बस दिन भर मस्ती करते रहो। 19 साल का हो गया है, 8-10 साल का नहीं है अभी वो। दुश्मन की बम्बारी का हम जम कर जवाब दे रहे थे अपने मंगल में पूरे 24 दिन और 24 रातें। सुबेदार साहब, मतलब खाना वाना वही होता था क्या? और कहां भाई, एक हाथ से फायरिंग और दूसरे से सूखी रोटी भाई, जंग के सब। अरे आओ भाई सुजीत आओ। बैठो। ए सुबेदार जी, हमारे आलोक ने तो हमारे प्राण ही ले रखे हैं, आज दोपहर से गायब है, आपने देखा कहीं पे? नहीं तो, अरे हम तो 2 बजे से यहाँ पे मंडली जमाए बैठे हैं। अरे तुम लोगों ने देखा क्या? हमने तो कहीं नहीं देखा। पूरा बाजार छान मारा सुमित्रा, कहीं नहीं मिला। पूरे मुल्तानगढ़ में ढूंढना हो तो कम से कम 2 दिन चाहिए, हद है गैर जिम्मेदारी की भी। सच कहूँ तो उसे ढूंढने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा मेरा। कैसी बातें कर रहे हैं, बेटा है हमारा 100 साल जिएगा मेरा बेटा, उसी का फोन होगा। काश फोन पे 4 थप्पड़ मारने का कोई सिस्टम होता ना। हेलो। अपने बेटे से कितना प्यार करता है सुजीत कट्टा। कौन बोल रहा है? तेरे बेटे का काल बोल रहा हूँ साले। देखो बकवास बंद करो और आलोक को फोन दो। कहाँ है आलोक? मैं तेरे कपूर का कोई कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव नहीं हूँ, सुना नहीं तूने? काल बोल रहा हूँ, उसका काल अगवा किया तेरे पिल्ले को। देखो अगर ये कोई मजाक है ना तो बहुत महंगा पड़ेगा। मैं तेरे लौंडे की जिंदगी बहुत सस्ते रेट में दे रहा हूँ, सिर्फ 50 लाख। कौन बोल रहा है, क्या नाम है तुम्हारा? नाम का अचार डालेगा तू? वैसे अगर 50 नहीं दिए ना तूने तो अचार की बोतलें तेरे रसोई घर में सजा दी और उसमें छोटे छोटे टुकड़े होंगे तेरे इस राजकुमार। एक बार बात करवाओ आलोक से। मुश्किल से सांसें ले रहा है, बात क्या करेगा? क्यों, क्या किया तुमने उसके साथ? एक तो तबीयत से कूटा है, उसके बाद खिला दी है नींद की गोलियां। अब अगर उसे नींद से जगाना है ना तो 50 लाख कैश रेडी रख। अगर 50 लाख नहीं मिले ना तो तू अपने लौंडे के 50 टुकड़े जरूर बटोरेगा। पापा, चाचा जी, वो किडनैपर का फोन नंबर अभी बंद आ रहा है। सुजीत, मामला बहुत गंभीर है। क्या करें भाई साहब? आखिर ये लोग हैं कौन? क्यों बार बार एक ही बात पूछ रही हो सुमित्रा? वो लोग अपना नाम बताएंगे क्या? शांति रख सुजीत, शांति रख। अगर ये सही में अपहरण है तो हमें बहुत सावधानी से काम लेना है। उन लोगों ने 50 लाख रुपए मांगे। ये जो 50 लाख मांगे गए हैं, क्या ये खुद आलोक ने मांगे हो सकते हैं? हमारा आलोक मस्तीखोर है पर वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता। हाँ सर, हम उसकी हर मांग पूरी करते हैं। शायद उसी लिए, ना सुनने की आदत ना उसे। किसी कीमती चीज के लिए ना कहा आपने उससे? सर फर्स्ट ईयर बीकॉम का स्टूडेंट है मेरा आलोक, दिन भर क्रिकेट खेलता रहता है या फिर मटर गश्ती करता रहता है। 50 लाख रुपए की जरूरत उसे क्यों पड़ने लगी? गायब कहां से हुआ है? उसकी माँ ने उसे गेहूँ पिसवाने के लिए चक्की पर भेजा था, तभी से उसकी कोई खबर नहीं है। फिर ये फोन आया, फिर औती वाला। सर फिरौती वाला फोन नंबर अभी स्विच ऑफ आ रहा है। डिटेल्स निकालो, बता ब्रो नंबर किसका है और फोन कहाँ से आया। देखिए हम मानते हैं हमारा लड़का थोड़ा बिगड़ा किस्म का है पर उसके मस्ती की भी एक लिमिट है, रात को घर ना आया हो ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। कट्टा जी, फोन रिकॉर्ड्स आने तक हमें इंतजार करना होगा और वो तो कल सुबह ही मिलेंगे। और रही बात आपके बेटे की, हो सकता है पहले ना की हो, अभी लिमिट क्रॉस कर दी हो, रहने गया और रात भर कहीं सुबह तक वापस लौट आए। और सर अगर फिरौती का कॉल दोबारा से आया तो? हम कॉल टैप कर रहे हैं सुजीत जी के, सारे कॉल्स मॉनिटर होंगे। आप हमें आलोक का एक फोटो दे दीजिए, हम ढूंढना शुरू कर देते हैं। है सुजीत। अरे भाई अपहरण का कहाँ सुन रहे हैं हम? सुबेदार भैया, कल शाम को फिरौती का फोन आया था, उसके बाद कुछ नहीं। और फोन किसने किया था कुछ तो बताया साले? रघुवीर सिर्फ इतना कहा 50 लाख रुपए रेडी रखो वरना। सुजीत पूरा गुर्बत न कर तुम्हारे पीछे खड़ा है, आलोक का हम बाल भी पका नहीं होने देंगे। सर सर रात भर ना किडनैपर्स का फोन आया ना ही आलोक घर लौटा, किडनैपर्स का फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। मुल्तानगढ़ हेडक्वार्टर से कहो कि किडनैपर के नंबर की डिटेल्स जल्द से जल्द भेजें और आलोक की फोटो सर्कुलेट करा दो सारे जोन्स में।
लगता है वाकई किडनैपिंग हुई। सब आलोक की माँ ने आलोक को 11:15 बजे चक्की पर भेजा था। खाने तक जब घर पर नहीं लौटा और उसका फोन भी ऑफ था तो मैं उसे ढूंढने निकला, तो यहाँ पेड़ के नीचे मुझे उसकी साइकिल मिली। साइकिल सिर्फ पार्क थी और ताला भी नहीं लगा था। अब ताला तो कभी लगाता ही नहीं, बहुत ही लापरवाह है। अच्छा, साइकिल गिरी हुई थी या खड़ी हुई थी? नहीं, बाकायदा खड़ी हुई थी साहब। नहीं साहब, वो तो अकेला ही आया था अपनी साइकिल पर। और जाते वक्त देखा उसको किसी के साथ? क्या कोई उसका इंतजार कर रहा था? वो तो मैं नहीं देख पाया। उसको बहुत जल्दी थी साहब, और वो बोला था कि 10 मिनट में आ रहा है डिब्बा लेने, तो मैं तो काम पे लग गया। चलो सही सही बता दो, क्या आलोक यहाँ आकर कहीं और गया है? कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? हम क्यों कुछ छुपाने लगे सुबेदार साहब, वो यहाँ आया ही नहीं। देखो बेटा, मामला गंभीर है। तुम्हारा दोस्त वाकई लगवा हुआ है, उसकी साइकिल चक्की के पास पेड़ के नीचे मिली। तो काका, ये बात सुनकर तुम लोग खुद डरे हुए हैं। अच्छा, कुछ नहीं पता ना? रुके सुबेदार साहब, रुके। गुड्डू, राजू, तुम दोनों और आलोक नशा वशा करते हो? नहीं सर, कभी नहीं किया। और ये आलोक तुमसे छुपाकर कुछ करता है? कुछ भी नहीं सर, हम तीनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं, जो भी कुछ करते हैं साथ में करते हैं। और तुम कह रहे हो कि कल यानी 4 मार्च को तुमसे मिला ही नहीं? जी हाँ सर। देखिए, 50 लाख की फिरौती मांगी गई और अभी तक दूसरा कॉल भी नहीं आया, लोकेशन भी नहीं बताई कि पैसे ड्रॉप कहाँ करने। अगर ये वाकई में किडनैपिंग है तो आप लोगों को किसी पे शक? आपकी कोई पुरानी या नई दुश्मनी? नहीं साहब, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि कौन हो सकता है। मैंने तो फोन पे भी उसकी आवाज़ नहीं पहचानी। नंबर तो पहचान लिया होगा ना साहब लोग ने? क्यों साहब, नंबर तो हाथ में है ना? जी, उसकी जानकारी आ रही है। क्या हो गया? आलोक का अपहरण हो गया। क्या क्या बोल रहे हैं आप? 50 लाख रुपए मांगा है। 50 लाख? सर, आलोक का फोन कल 11:55 पे स्विच ऑफ हुआ था, गुरबत नगर में। जी सर। 11:45 को तो वो ललन की चक्की पे था, गेहूं का डब्बा दिया ये कहकर कि 10 मिनट में लौटेगा, नहीं लौटा। सर, किडनैपर्स के फोन से बस यही कॉल किया गया था, फिरौती वाला। सर, सेलफोन लोकेशन हाईवे पर थी। अब कोई डाउट नहीं है कि जेन्युइन किडनैपिंग केस है? इस नंबर के बारे में और कोई डिटेल्स? सर, ये नंबर किसी श्याम भटनागर के नाम से रजिस्टर्ड है, रावल बाग का एड्रेस है। श्याम भटनागर यहाँ रहता है? नहीं साहब, यहाँ कोई श्याम भटनागर नहीं रहता, इसे नहीं पहचानते। सर, नाम फर्जी है पर एड्रेस सही है। मैंने एप्लीकेशन फॉर्म वाले फोटोग्राफ को पूरे मोहल्ले में घुमाया पर कुछ नहीं निकला। सर, ये सिम कार्ड 1 महीने पहले खरीदा गया है, पता करो कौन सी दुकान है, और इस इंस्ट्रूमेंट की भी ट्रैकिंग शुरू कर दो। हो सकता है कोई और सी न्यूज हो रहा हो इस इंस्ट्रूमेंट पे जो जाली ना हो। ए साहब, ये अपहरणकर्ताओं ने कौन सा मोबाइल इस्तेमाल किया है, वो जाली है असली है, ये सब हमें बता के क्या होने वाला है? देखिए, आप हमें बस इतना बता दीजिए कि हमारा आलोक कहाँ है, आप उसे सलामत कैसे वापस लाने वाले हैं और कब? देखिए, वही करने के लिए हमें आप लोगों के कोऑपरेशन की जरूरत है भूपेंद्र जी। हम जानना चाहते हैं कि वो कौन है जिसने आलोक की किडनैपिंग की है और इस तरह 50 लाख की फिरौती मांग रहा है, और एक फोन करने के बाद दोबारा फोन भी नहीं करता। सर, आलोक मस्ती करता है लेकिन कभी किसी के साथ गहरी दुश्मनी वगैरह नहीं है, और ना ही हमारी फैमिली का किसी से बैर है। तो फिर कोई ऐसे ही कर रहा है। देखिए, फर्जी सिम कार्ड 1 महीने पहले खरीदा गया, पूरी प्लानिंग के साथ आलोक की किडनैपिंग की गई ताकि कोई चश्मदीद गवाह ना रहे, और उसके ऊपर 50 लाख की फिरौती। साहब, मेरा इकलौता बेटा है, किडनैपर ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। मैं फिरौती देने के लिए तैयार हूं। पर क्या वो लेने के लिए तैयार है? देखिए सुजीत जी, एक फोन के बाद दोबारा फोन भी नहीं आया, मुझे लगता है कि माजरा कुछ और है। सर, हेडक्वार्टर से फोन था, किडनैपर कोई सस्ता वाला मेड इन चाइना फोन इस्तेमाल कर रहा है, इसका IMEI ट्रैकिंग करना लगभग नामुमकिन के बराबर है। काफी सोच समझकर इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया गया है। चौहान, मुझे एक बात की घंटी बज रही है कि सुजीत गट्टा के फोन की घंटी क्यों नहीं बज रही? किडनैपर एक फोन करने के बाद खामोश क्यों हो गया? आठ अंडे पैक कर दें, ये भी।
मैंने पूरे गुरबत नगर में अपने बंदे लगा दिए जो चुपचाप ये पता लगा रहे हैं कि कहीं कोई घर से गायब तो नहीं है। लेकिन सुबेदार भैया, कोई गांव वाला ऐसा काम क्यों करेगा? उपेंद्र भैया, 6 दिन हो गए, दूसरा फोन तक नहीं किया, इरादा क्या है इन लोगों का? पता नहीं सुजीत, लेकिन देख मनी मन मेरी इच्छा यही है कि ये सब जो हो रहा है ना, काश अपने आलोक की कोई बचकानी सी हरकत हो। क्यों भैया, अपना आलोक ऐसी भद्दी हरकत क्यों करेगा? अच्छा, वो सही सलामत रहे, खुद मजाक कर रहा हो तो लौट के आएगा ना। ना भूपेंद्र, मुझे नहीं लगता कि वो मजाक कर रहा होगा, मुझे लगता है कुछ तो बड़ा सीरियस है। जरा सुमित्रा से पूछो ना कि आलोक ने उसे कुछ बताया कि? कमाल करते हैं आप और सुबेदार भैया। अरे अगर मुझे कुछ पता होता या उसने मुझे कुछ बताया होता तो इतने दिन हो गए मैं आपको ना बताती। 1 हफ्ता हो गया लेकिन पुलिस वालों की तरफ से अभी तक बिल्कुल खामोशी है जी। खामोशी तो अपहरणकर्ताओं की तरफ से भी तो है सुजीत, बात कुछ और तो नहीं है? तो ये पुलिस वाले, आप हर दूसरा तीसरा इस और के बारे में पूछ रहा है, और क्या हो सकता है? कोई मुझे बताएगा क्या हो सकता है? गुरबत नगर में हुए किडनैपिंग केस को 7 दिन बीत चुके हैं पर पुलिस इस पर कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाई। विक्टिम 19 वर्षीय आलोक गट्टा की जिंदगी खतरे में हो सकती है पर अब तक पुलिस को कोई भी प्राथमिक सुराग नहीं मिली है जो अंदेशा दे सके कि किडनैपर्स कौन है और आलोक कहां हो सकता है। हमारे सूत्रों के अनुसार अब ये केस मुल्तानगढ़ की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को सौंप दिया गया है पर इस वक्त सभी को एक ही बात की चिंता है, आलोक गट्टा किस हालत में और क्या उसे वक्त पर बचा लिया जाएगा। सर, 4 मार्च की रात को एक कॉल आया किडनैपर से, 50 लाख की फिरौती मांगी गई, उसके बाद नथिंग। सर फर्जी सिम सिर्फ एक कॉल को करने के लिए इस्तेमाल किया गया, सस्ता इंस्ट्रूमेंट, मेड इन चाइना, IMEI ट्रैकिंग इम्पॉसिबल। कहीं ऐसा तो नहीं है 50 लाख की फिरौती का कॉल महज एक साजिश हो, हमें गुमराह करने का, और किडनैपिंग का असली मकसद कुछ और ही हो, कोई आपसी रंजिश, कोई दुश्मनी या कोई बदला? हो सकता है गट्टा फैमिली की हिस्ट्री में कुछ छुपा, या फिर वो जो शक पहली इन्वेस्टिगेटिंग टीम को था कि शायद आलोक गट्टा ने खुद अपनी किडनैपिंग करवाई, लेकिन अगर ऐसा है तो सवाल है क्यों? सुजीत जी, 5 मार्च से आपका फोन सर्विलेंस पर टैप किया जा रहा है, अब मुद्दा यह है कि वाकई में अगर कोई किडनैपर है तो उसने फिरौती का कोई दूसरा कॉल क्यों नहीं किया? वाकई में कोई किडनैपर है का क्या मतलब है साहब? मेरा आलोक 1 हफ्ते से घर पर नहीं आया और आप लोगों को लग रहा है कि ये सब उसका किया कराया मजाक है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सुजीत जी, मेरे पूछने का मतलब ये है कि क्या कोई ऐसी बात है जो आपने पहली इन्वेस्टिगेटिव टीम को नहीं बताई? और क्या बात है अब? आप भूपेंद्र जी? जी मैं भूपेंद्र गट्टा। भूपेंद्र जी, आप और आपके भाई सुजीत काफी रईस किसान हैं। नहीं, रईस तो नहीं कह सकते, हाँ काफी संपन्न कह सकते हैं। सुजीत जी, आपके पास काफी पुश्तैनी जायदाद और आलोक आपका इकलौता बेटा, तो जाहिर सी बात है आज नहीं तो कल ये सारी जायदाद का मालिक आलोक ही होगा ना। अगर आप हम दोनों भाइयों के बीच की दरार ढूंढ रहे हैं तो नहीं मिलेगी, क्योंकि है ही नहीं। देखिए, हमारे मकान अलग होंगे पर घर एक ही है, कोई दीवार नहीं है बीच में। बहुत अच्छी बात है, सब भाइयों को आप दोनों भाइयों की तरह मिलकर ही रहना चाहिए। अब ये बताइए कि 4 मार्च को आलोक आपके घर से नाश्ता करके निकला? अरे भाई, 4 तारीख को ही क्यों, वो तो हर दूसरे दिन चाय नाश्ता हमारे यहाँ करता है, कभी कभार तो ऐसे ही आ जाता है। क्यों क्यों से क्या मतलब? अरे अभी तो बताया मैंने, एक ही घर है। साहब, हमें ऐसा लग रहा है कि आप आलोक को ढूंढने नहीं, हमारे खानदान का इतिहास खोदने आए हैं। भूपेंद्र जी, आप किसान, अच्छी फसल के लिए खुदाई कितने मायने रखती है समझते होंगे। हम भी खुदाई करते हैं पर फर्क है, आप खुदाई करके बीज बोते हैं और हम खुदाई करके बीज निकालते हैं दुश्मनी का। फिरौती के लिए 50 लाख रुपए मांगे गए, तो जाहिर सी बात किडनैपर जो भी है वो जानता है कि आप 50 लाख आराम से दे सकते। सर, हमने पहले वाली टीम को भी यही बताया था, 4 तारीख को ना तो हमारी आलोक से मुलाकात हुई ना उससे पहले उसने हमें कहीं जाने के बारे में बताया। कॉलेज या गांव की कोई गर्लफ्रेंड? नहीं सर,
अगर होती तो हमें पक्का पता होता, एक तरफा टाइप कुछ। सर अगर ऐसा कुछ होता हमको पता होता। मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़े टाइम पहले की बात कर रहा हूँ, शायद 2-3 महीने पहले की। किसी के साथ कोई झगड़ा? हाँ सर, झगड़ा तो हुआ था, लेकिन उस दिन के बाद ना तो मनोहर क्रिकेट खेलने आया, ना उसने आलोक से बात करी। मनोहर? अरे ये तो अनिरुद्ध के बेटे मनोहर को उठा ले गए। भाई जब हमने आज घर जाकर पूछा कि आलोक आया है तब तो मना कर दिया था। अरे ऐसे सामने से कोई थोड़ी बोलेगा, जरूर कुछ ना कुछ किया होगा मनोहर ने, सुना है आलोक के साथ झगड़ा हुआ था उसका। मैडम साइकिल ऐसे जगह छोड़ी गई जहाँ आसपास उस वक्त कोई नहीं था, किसी ने देखा ही नहीं होगा आलोक को कौन कैसे उठा ले गया। पिछली टीम ने हमें मेंशन किया था कि आलोक की साइकिल ना टूटी मिली, ना गिरी मिली, ना उस पे ताला लगा, मतलब साफ है कि आलोक वहाँ अपनी मर्जी से गया था, वहाँ उसने साइकिल खड़ी की और अपनी मर्जी से चला गया, मतलब अगवा करने का कोई चक्कर है ही नहीं। मतलब किडनैपर्स पहचान वाले होने चाहिए, सिंपल लॉजिक है। नहीं लॉजिक का ज्ञान नहीं चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैडम बंदे का पूरा कॉलेज छान मारा पर कुछ हाथ नहीं लगा। 50 लाख फिरौती की रकम मांगी है। हाथ का मैल तो नहीं है बाप के लिए, लेकिन आराम से दे सके। ऐसा क्या बिजनेस है? मैडम यहाँ के ज्यादातर लोग गट्टा समाज के, वैसे तो किसान है, काफी जमीन है इनकी, कुछ तो नहीं, लेकिन जब से यहाँ फैक्ट्रियां लगनी शुरू हुई मैडम, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियां इनकी जमीनें खरीदने लग गए, बस समझिए तब से इनके भाग खुल गए और जमीन के दाम भी बढ़ गए। 5 लाख रुपए की जमीन आज 50 लाख रुपए की हो चुकी है, मतलब हर दूसरा किसान जिसके पास जमीनें थी आज वो करोड़ों का मालिक है। मनोहर तुमने आलोक गट्टा को धमकी दी थी ना? बेटा आलोक इतना उछल मत, ये जो अकड़ है ना तेरी सारी उतार दूंगा मैं एक दिन, देख लूंगा तेरे को। आलोक गेम में चीटिंग बहुत करता था, मतलब उसका साफ ऐसा था कि बैट मेरा है तो बैटिंग मेरी होगी, क्लियर आउट होगा, बोलेगा नॉट आउट। अबे क्या चीटिंग कर रहा है, अबे आउट है बे तू। नहीं आउट। अबे देख कैसे ऑफ स्टंप पे पड़ गई ना, मिडिल स्टंप पे स्पिन होके जा रही थी यार बॉल, पागल हो गया क्या? मैं यहां आता यहां ऑफ स्टंप के बाहर जब तेरी बॉल स्पिन हुई तो मिडिल स्टंप यहां होता, यहां कौन सा मिडिल स्टंप है बे? समझा ना बे, आउट है ना यार ये। देख मनोहर आउट था, क्लियर एलबी था वो, और क्या, अगर तेरी जांग ना होती ना सीधे मिडिल का स्टंप उड़ता। यार चीटिंग कर रहा है बे, तुम दोनों ना इस बिगड़े बच्चे के ऑफ स्टंप और लेग स्टंप हो, ये दिन को रात बोलेगा ना तुम हां में हां मिलाओगे, बोलेगा बैट नहीं त्रिशूल है ये, तब भी हां बोलोगे तुम लोग। मैं मान लिया 2 पैसे खर्च करता है तुम पर, लेकिन इतनी ओए, हमारी दोस्ती की स्पेशल कमेंट्री ना तू अपने पास है ना, ला दे बैट। नहीं देना बैट, क्या कर लेगा बोल। रुक बताता हूँ तुझे क्या कर रहा है। ले ले राजू, ले जा जाके 2 बैट लेके आना, इससे अच्छे वाला, इससे सड़े बैट से नहीं खेलेंगे अपन। ये रखो अपना बैट। मैं खुद की कमाई का घमंड होता ना समझ में आता है, तूने एक दमड़ी नहीं कमाई आज तक, बाप के पैसे पहुंच रहे। रुक, मैंने एक दमड़ी नहीं कमाई और तूने करोड़ों कमा लिए ना अपनी किराने की दुकान पे। एक आवाज दूंगा ना तो तेरी दुकान बंद हो जाएगी, कोई एक माचिस की तिल्ली तक नहीं खरीदने आएगा। फिर आना रेंग दिए भाई आलोक, गलती हो गई, दोस्ती का वास्ता माफ कर दे। आलोक इतना उछल मत, तेरी अकड़ है ना ये, सारी कसर उतार दूंगा। मैंने गुस्से में बोल दिया था उसे, देख लूंगा, जैसे जैसे बोल देते हैं बस। लेकिन उसके बाद जब आलोक ने लोगों से कहा हमारी दुकान का बायकॉट करने के लिए, तो मैं सीधा सुजीत काका के पास गया मिलने, बताई उनको मैंने सारी बात, और उन्होंने मुझे कहा कि समझा देंगे आलोक। लेकिन फिर भी आलोक गट्टा माना नहीं और तुमने उसे उठवा लिया। सर मैं क्या किसी को उठवाऊंगा। हाँ साहब, मनोहर आया था मेरे पास शिकायत लेकर। ये बात ना तो आपने पहली टीम को बताई और ना ही हमें बताई, कोई खास वजह? दोनों एक ही गांव के लड़के हैं और उन दोनों के बीच में क्रिकेट को लेकर झगड़ा हुआ था, बचकाना सा, तो बताना जरूरी नहीं समझा। दरअसल मुझे तो याद तक नहीं था। आपका बेटा किडनैप हुआ इतना तो याद है ना सुजीत जी? हो सकता है कोई पुराना जख्म हरा हो रहा हो, याद कीजिए, हो सकता है अतीत में आपकी किसी से कोई अनबन हुई हो, कोई आपसी रंजिश, कोई दुश्मनी, क्योंकि वो जो भी है उसने एक बार फिरौती के लिए कॉल किया, दूसरी बार कॉल नहीं किया। याद करिए वो कौन हो सकता है, और अगर आपको याद नहीं आ रहा तो अपनी पत्नी से पूछिए,
लेकिन वो जो भी है उसका नाम हमें बताइए ताकि हम इस केस में आगे बढ़ पाए। चाची फोन है आपका। हेलो। जोड़ लिए 50 लाख नगद। आप कौन बोल रहे हैं? सर सुजीत का फोन टैप किया तो उसने सुजीत की पत्नी सुमित्रा के फोन पे कॉल किया। पांडे ने रिकॉर्ड कर दिया है। आखिरकार ताला ही गया। किडनैपर्स किस बात का इंतजार कर रहे हैं? हमारे केस में दाखिल होने का। देखो देखो तुम्हें पैसे चाहिए ना, पैसे दे देंगे हम, बस एक बार आलोक से बात करवा दो हमारी। रटे सुनिए इसके, कल दबाकर चाउमीन और नूडल्स खिलाए आलोक को सुमित्रा जी, इसके बाद नीम की गोलियां खिला दी दबाकर। अब जैसे ही 50 लाख की खुशबू आएगी ना उठ जाएगा ये। देखो हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, एक बार आलोक से बात करवा दो। हाथ मत जोड़िए, हाथ चलाइए और एक अच्छे से बैग में 50 लाख रुपए कैश भर दीजिए। एक बार बात करवाओ आलोक से। आगे साले सुजीत गट्टा कुत्ते, तो पुलिस के पास गया ना? मैंने कहा था ना कि मैं तेरे पिल्ले का अचार बनाऊंगा, मैंने अभी तक किया नहीं है। क्योंकि मैं उसे मारना नहीं चाहता हूँ, मुझे सिर्फ पैसे चाहिए। आलोक को कुछ मत करना, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। 40 2000 के नोटों में और 10 5500 के नोटों में। लेकिन मेरे अकाउंट में इतने पैसे नहीं है। अच्छा, 2 हफ्ते पहले 42/344 वाला प्लाट बेचा तूने, जिसके 75 लाख रुपए तेरे मरे हुए बाप के अकाउंट में आए। अभी याद आया कि नहीं आया? वरना तेरे आलोक का कान काट के भेजू या जो तू बोले वो काट के भेजता हूँ। बोलो पैसे कब और कहाँ चाहिए? कल ठीक 3 बजे पैसे का बैग लेकर गिरधर मार्केट आ जा और गिरधर मार्केट में बीचों बीच खड़ा हो जा, मैं आकर पैसे ले लूंगा। लेकिन मेरा आलोक? मैं नोट गिनूंगा, सब सही रहा तो तेरा बेटा शाम तक वापस घर आ जाएगा। अगर मेरे पैसे मुझे नहीं मिले या तू नहीं आया या कोई चालाकी, तभी तेरा बेटा शाम तक घर वापस आ जाएगा, लेकिन बोतलों में आलोक अचार बड़े मजेदार। या तू नहीं आया या कोई चालाकी की, तभी तेरा बेटा शाम तक घर वापस आ जाएगा, लेकिन बोतलों में। सुजीत जी, आपने जमीन बेची है, ये बात किडनैपर को कैसे पता? कैसे पता साधु? सुजीत भैया मुझे नहीं मालूम, मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। साधु चल बाहर चल के कुछ बात करते हैं। मालिक मैं सिर्फ एक मुलाजिम हूँ, सौदे की असली रकम मुझे कभी मालूम ही नहीं होती। चल मैंने, ना, चल ना बात। मैं सच कह रहा हूँ। क्या आपके बेटे आलोक को मालूम है क्या आपने जमीन बेची और आपके अकाउंट में 75 लाख रुपए? आलोक को मेरे अकाउंट की एक डिटेल पता है और मेरे अकाउंट में 75 लाख ही नहीं, FD वगैरह मिला के 2 करोड़ से थोड़ा ऊपर ही है। लेकिन मांगे 50 है ना, दे देंगे 50 लाख। जी बैंक मैनेजर से मैं बात करूंगा, मेरा खाता भी वही है। एक मिनट सुजीत जी, अगर किडनैपर आपके बैंक की डिटेल के बारे में भी जानते हैं तो जाहिर सी बात है वो आपके बेटे आलोक के बारे में भी जानते हैं। मेरी बात पर यकीन करिए, वो पैसे लेने के बाद भी आपके बेटे को नहीं लौटाएंगे। सुजीत जी वो नहीं लौटाएंगे, अब हम निपटेंगे उनसे। लेकिन उन लोगों को पता है कि हम आपके पास आ चुके हैं। हर किडनैपर ये चांस लेता है, और अब देखिए पहली इन्वेस्टिगेशन टीम की जगह हमारे आते ही उन्होंने फिरौती की दूसरी कॉल की, मतलब साफ है दुश्मन कोई घर के अंदर का ही है। सुजीत जी अभी आप बैंक से 50 लाख रुपए निकलवाएंगे जरूर, लेकिन उन 50 लाख के साथ क्या कर, किडनैपर के साथ क्या कर, ये हम तय करेंगे। ठीक है सर, पांडे और सिंह गिरधर सर्कल मार्केट में रेडी हैं। पैसा मांग रहे हम देने को तैयार हैं, बस आप मेरा बच्चा सही सलामत वापस ले आइए। हम आपके बच्चे को सही सलामत जरूर वापस लेकर आएंगे, भरोसा रखिए।
साधु किसी के सामने मुंह खुला हो, याद कर। हम तो मुलाजिम हैं, बस कागजात की देखरेख करते हैं। बाकी पैसे का सारा लेन देन, बैंक में पैसा डालना, ये सब सुजीत भैया ही करते हैं। और सच कहें तो मैडम, हमने ये सब बातें किसी से नहीं बोली। मैडम 4456789 नंबर ट्रेस हुआ मैडम, किसी अरविंद शास्त्री का नंबर है और आदेशपुर का एड्रेस रजिस्टर्ड है। सुमित्रा के फोन पे जो फोन किया गया था वो सिम से किया गया इकलौता कॉल था जी। साधु आधा घंटा है तेरे पास, ठीक से याद कर और बता मुझे। मैडम सच कह, हमारी बात सुजीत के आसपास से गुजरने वाले हर बंदे पर बारीकी से नजर, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। किडनैपर सिर्फ ट्रायल ले रहा, टटोलना है हमें भी और सुजीत को। फेक एड्रेस ही होगा सर। वैसे भी मैंने आदेशपुर की पुलिस स्टेशन को अरविंद शास्त्री को ट्रैक करने के लिए बोल दिया, जिसके नाम पे रजिस्टर्ड नंबर से किडनैपर्स ने सुमित्रा जी को कॉल किया था। इसका फोन लोकेशन भी सर हाईवे पर ही था। पिछली बार की तरह? यस सर। सर बंदा पैसा लेने नहीं आया, हो सकता है कि एक से ज्यादा लोग, शायद पूरा का पूरा गैंग हो, जो सुजीत पर सर्विलेंस भी रख रहा हो और साथ ही साथ मास्टरमाइंड को इन्फॉर्म भी कर रहा हो। दोपहर तक मुझे यही लग रहा था कि शायद लड़के आलोक का ही काम है, किसी लड़की वड़की का चक्कर होगा, घर से पैसे मंगवा कर उस लड़की के साथ भागने की फिराक में होगा, पर अब ऐसा नहीं लगता। असल मुझे ये लगता है कि ये सारा किया आलोक का नहीं है, तो ये जेन्युइन किडनैपिंग है। 8 दिन हो चुके हैं और आलोक के पास इतना कैश भी नहीं था कि वो 8 दिन सर्वाइव कर पाए। सो फॉर श्योर आलोक की जान खतरे में। गिरदर सर्कल मार्केट में हमेशा भीड़ रहती, जबकि किडनैपर्स अमूमन फिरौती के लिए ऐसी जगह बुलाते हैं जहां पर कोई आता जाता ना, जगह सुनसान, पर ये मोडस ऑपरेंडी कुछ अलग है। वो पैसे लेने क्यों नहीं आया? से साधु को तबीयत से तोड़ा पर मुंह नहीं खोल रहा है। क्या ये किडनैपिंग सिर्फ और सिर्फ फिरौती के लिए हुई? हेलो, बड़ी देर बाद उठा है भोपू भूपेंद्र, चल अपने उस छोटे भाई को फोन दे जरा। हेलो, देखो मैं पैसे लेकर आया था, तुम ही नहीं आए, मैं तो 1 घंटे तक तुम्हारा इंतजार करता रहा। मुझे सब पता है, लेकिन तुझे क्या लगता है कि मैं तेरे जैसे भैंस की अकल रखता हूँ? तेरा फोन टैप, तेरी बीवी का फोन टैप, और तू बारात में अकेला आएगा, तेरे साथ तेरी फौज नहीं आएगी। देखो तुम्हें पैसे चाहिए ना,
मैंने पूरी ईमानदारी से बैंक से पूरे 50 लाख रुपए निकाले, मैं लेके आया। तुम चाहते क्या हो, साफ साफ बताओ ना। चाहता तो पैसे जो मैं कल दोपहर 2 बजे तुझसे लूंगा। कहाँ पे? सब्जी मंडी नारायण चौक मुल्तानगढ़। सेम बैग में पैसे लेकर सब्जी मंडी के बीचों बीच खड़े हो जाना। हेलो 4478-6098 इस नंबर से उसने भूपेंद्र के नंबर पे कॉल किया था। इस नंबर की पूरी डिटेल्स निकालो। जो भी है ना वो जानता है, फैमिली के सब फोन नंबर जानता है, बल्कि ये भी जानता है कि किसका फोन टैप हो रहा है, किसका फोन टैप नहीं हो रहा। अरे भाड़ में गया, कौन क्या जानता है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मुझे मेरा बेटा आलोक वापस चाहिए, बस। हम भी तो यही चाहते हैं। सर आपके लिए सिर्फ केस है, लेकिन मेरे लिए मेरी जान है वो। पता नहीं हमारा आलोक किस हालत में होगा। माना कि शरारती है, लड़कपन है, लेकिन दिल से बच्चा है मेरा आलोक। बस कल मैं उसे पैसे दे रहा हूँ और कल शाम तक मेरा आलोक घर में वापस आ रहा है। और आप लोगों को बीच में कोई हीरोपंती दिखाने की जरूरत नहीं है। ए जी, अगर हम हीरोपंती ना भी दिखाएं ना, तब भी वो विलन बनना बंद नहीं करेंगे। बात को समझिए आप, अगर आपने उन्हें पैसे दे भी दिए तब भी वो आलोक को जिंदा वापस नहीं करेंगे। चुप रहिए आप, मत बोलिए ऐसा। ऐसा कुछ नहीं होगा, भरोसा रखिए। इससे पहले को कुछ करें हम उन्हें धर लेंगे। हमारी पूरी टीम वहां पर तैनात रहेगी और उन पर नजर रखेगी। अगर वो पैसों का बैग लेकर भागे तो हम उन्हें तुरंत पकड़ लेंगे, आलोक को छोड़ा लेंगे, हमारा यकीन कीजिए। उपेंद्र जी देखिए, इस वक्त आपके भाई और भाभी वो तनाव में, वो हमारी बात नहीं समझ रहे। प्लीज आप ठंडे दिमाग से सोचिए और हमें बताइए कि वो कौन हो सकता है जिसने आलोक को निशाना बनाया। वो क्या मुझ पर कम तनाव है? अरे समझते क्यों नहीं आप लोग, आलोक मेरा बेटा भी तो है, उतने ही जितने के रतन। बस अब बहुत हो गया, बहुत सह लिया हम लोगों ने, अब और नहीं होता, और नहीं होता अब। समझ में नहीं आता है कि साले को घर की इतनी बारीकी बातें कैसे पता है। ईशा की तरह सबसे बड़ा दुश्मन भीतर वाला होता है। अब ये नहीं आ रहा ये कौन है, हम सबसे एक कदम आगे रहता है। पुलिस वालों का कहना है कि कोई बहुत करीब का होगा, परिवार का या फिर गांव का। अब ऐसा कौन है जो हमसे इतनी गंदी दुश्मनी निभा रहा है? अब तो ना हर एक बंदे पर शक होने लगा। लगता है कल का एक्शन रिप्ले है। हम जिन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं हम नहीं जानते वो कौन, पर मुझे लगता है कि शायद वो जानते हैं कि हम कौन, और वो हम पर बराबर नजर रखते हैं। तो थोड़ा सा बैंक घुमाओ, थोड़ा और बैंक। ठेली के पास जो आदमी खड़ा वो दिखा। एक बार फिर से सुजीत को दिखाओ। कहाँ है हमारा बच्चा? बोलिए ना कहाँ है हमारा बच्चा? लोग आज भी नहीं आए, खेल खेल रहे हमारे साथ। अरे उन लोगों को पैसा नहीं चाहिए तो और क्या चाहिए? और पैसे चाहिए? मैं और पैसे देने को तैयार, अपना सब कुछ बेचने को तैयार हूं, लेकिन मुझे जो मेरा आलोक चाहिए, आलोक चाहिए मुझे मेरा। कांस्टेबल सिंह और पांडे अभी भी मार्केट में स्कैन कर रहे हैं, कहीं कुछ नजर आ जाए। ज्योति ने वापस बुलवाओ, वो लोग अब वहाँ नहीं होंगे, क्योंकि वो जानते हैं किसका फोन टैप हो रहा है और किसका नहीं। फिरौती का दूसरा कॉल उन्होंने तब किया जब हमने एक केस टेक ओवर किया।
इतने वक्त तक उनकी तरफ से खामोशी क्यों थी? सर शायद उन्हें वक्त लग गया अपने आप को तैयार करने में, या फिर हमें ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। कहीं आलोक को उन्होंने कुछ कर तो नहीं दिया सर? बट सर कोई फैमिली दुश्मनी या कोई और एंगल भी तो नहीं सामने आ रहा है सर? यहाँ पे साफ और जाहिर है कि 100 नहीं 200% इनसाइड जॉब है। गिरधर सर को मार्केट और सब्जी मंडी, इन दोनों में कुछ तो कनेक्शन है। यहाँ पे कुछ तो हुआ है, जरूर हुआ है। साहब, 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 किडनैपर ने मेरे फोन पर कॉल किया। दो मिनट दोबारा फोन करिए। हेलो आलोक, तेरा बेटा है ना, पूछ जरा सुमित्रा से। बकवास बंद करो, क्यों खेल खेल रहे हो हमारे साथ? बकवास नहीं कर रहा हूँ सुजीत घंटा, मुझे लगता है तुझे अपनी इकलौती औलाद से जरा सही प्यार नहीं, और तू उसे दोबारा पूरा देखना नहीं चाहता। नहीं नहीं, मुझे मेरा आलोक वापस चाहिए। मैं तो आज के पैसे लेकर आया था, उसी बैग में जैसा तुमने कहा मैंने वैसा ही किया, लेकिन मैं इंतजार करता रहा। अगर तू इतना आज्ञाकारी बालक था तो पुलिस वालों की वहां पर फील्डिंग क्यों लगाई थी? तुझे क्या लगता है? मुझे पता नहीं था कि उस बैग के अंदर रखे नोटों में एक चिप लगी थी। जैसे मैं वो बैग लेता पुलिस मेरे पीछे पड़ जाती। नहीं नहीं, अगली बार मैं अकेला आऊंगा। तुझे पहले सोचना चाहिए था और फिर करना चाहिए था। तेरे बगल में जो खड़ा है ना, जो मार्केट में प्याज के ठेले पर खड़ा था, उसको फोन दे। हेलो इंस्पेक्टर, तुझे इतना तो पता ही है पैसा हमें नहीं मिला है। तो तुम्हें आलोक की लाश भी नहीं मिलनी है, इसलिए कहता हूँ पीछे हटो, पहले पैसा आने दो। पैसा चाहिए ना, तो आलोक को पहले सामने लाओ। नहीं नहीं, उनको जैसा चाहिए वैसा करने दो, मैं पैसे देने को तैयार हूँ। अगर पैसे चाहिए तो पहले आलोक को सामने लाओ। अबे ओए सुनील नागर, इंस्पेक्टर होगा तू अपने थाने में, इस समय तू अपने बाप से बात कर रहा है, समझे? तो डैडी जी जरा सामने आइए, सामने आइए और हमें आशीर्वाद दीजिए। कल एक बार फिर से फोन करूंगा और ये आखिरी चांस होगा। और इस बार अगर तूने अपनी गंदी नाक अड़ाई ना, तो कहानी का दायन यही होगा, ना हम पैसे लेंगे और ना आलोक सांस। हेलो हेलो, आप लोग मेरे आलोक की जान को खतरे में डाल रहे हो, अगर आलोक को कुछ हो गया ना तो फिर देख लेना। आप लोग चले जाइए यार। सुजीत जी, राकेश कट्टा आपकी बिरादरी का, आपकी रिश्तेदारी में पड़ता। कहाँ है हमारा बेटा राकेश? बोल पति के लिए फोन क्यों नहीं कर रहे हैं? हम आपके परिवार का फोन टैप कर रहे हैं और हम भी इंतजार कर रहे हैं किडनैपर्स के कॉल का, लेकिन हमसे अभी इंतजार नहीं होगा सर। कब देखेंगे अपने बेटे का मुंह? सुजीत जी, राकेश कट्टा दशरथ कट्टा का बेटा आपकी रिश्तेदारी में पड़ता। सुजीत देख, मामला बहुत पेचीदा है, ठंडे दिमाग से काम ले। आलोक की जिंदगी दांव पर, शांति रख। और कितनी शांति रखो भैया, और कैसे? गिरधर सर्कल मार्केट, नारायण चौक की सब्जी मंडी, मिल गया कनेक्शन, मिल गया। राकेश गट्टा केस में भी फिरौती, गिरधर सर्कल मार्केट और नारायण चौक की सब्जी मंडी में मैं बैठा। सर ये राकेश गट्टा का केस तो राजानगर का था ना? और वहाँ के पीआई सुभाष ने इस केस के बारे में हमसे बात नहीं की, और जहाँ तक मुझे याद है ये केस क्लोज हुआ ही नहीं था, राकेश मिला ही नहीं था। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। इसमें सोचने जैसा क्या है, एकदम दूर बात की जैसे ही। देख, हम फिरौती मांगेंगे, वो देंगे, हम उठा लेंगे, उसके बाद हम सब अपना अपना हिस्सा ले लेंगे और फिर हवा हो लेंगे। सुनने में तो सही लग रहा है, लेकिन मुझे सोचना है क्या कैसे होगा। जासूस सिर्फ उनकी बिरादरी में नहीं, जासूस हमारी बिरादरी में भी, क्योंकि किडनैपर्स को हमारी उन चालों के बारे में पता है जो हमने सुजीत कट्टा के सामने बोली ही नहीं।
जो सिर्फ हमारे माइंड में, तो क्या कोई ऐसा है जो किडनैपर्स की मदद कर हमें से कोई पुलिस वाला? आलोक गट्टा किडनैपिंग केस और उसके एक साल पहले हुए राकेश गट्टा किडनैपिंग केस में काफी सिमिलरिटीज थी, जो सिर्फ मोडस ऑपरेंडी और फिरौती की डिलीवरी लोकेशन तक सीमित नहीं थी। दोनों ही केसेस में एक ही बिरादरी के दो जवान लड़के किडनैप हुए थे। दोनों ही केसेस में किडनैपर्स के साथ लुका छुपी का लंबा खेल चला और इसके पीछे एक चौंकाने वाला राज छुपा था। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।